My dear students, friends, and all viewers of this channel, Chem Alexa, आप सभी का स्वागत है. केमिकल बॉन्डिंग के एक बहुत ही यूनिक टॉपिक को आज आपसे डिस्कस करेंगे. नाम है बनाना बॉन्डिंग. 1920 से 1940 के बीच में बहुत ही पॉपुलर बॉन्ड था ये. इस बॉन्ड की स्टडी की गई जब डाइबोरेन का स्ट्रक्चर स्टडी हुआ. इनिशियल स्टेज में डाइबोरेन को इथेन के पैरेलल स्टडी स्टार्ट किया क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम था, C2H6 B2H6. लेकिन प्रॉब्लम कहां आया देखिएगा. अगर हम इथेन की बात करें कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट है. इसके आउटर मोस्ट सेल में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इसी वजह से यह चार कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तीन हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे कार्बन के साथ. तो यहां पर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है और यह इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड है. लेकिन जब बात स्टार्ट की गई डाइबोरेन की तो प्रॉब्लम आया क्योंकि बोरान 13th ग्रुप का एलिमेंट है. इसके आउटर मोस्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. यहां पे देखिए दूसरा बोरान, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी तीन इलेक्ट्रॉन है जो तीन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. सवाल है कि बोरान आपस में कैसे जुड़ेंगे जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं. तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है. तो अब यहां गेस करने लगे कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ब्रिज ऐसा बन रहा है जिससे दोनों BH3 के ग्रुप आपस में जुड़ रहे हैं. और फिजिकल प्रॉपर्टी के इस हेल्प से भी ये कंफर्म किया गया. स्पेसिफिक हीट की जब स्टडी की गई तो उसने कंफर्म किया कि इथेन के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मतलब 360 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट रोटेट कर सकता है C2H6. लेकिन जब B2H6 की स्टडी की गई तो देखा गया कि फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन हिंडर्ड है. इसका मतलब कहीं ना कहीं रोटेशन में ब्रिज की वजह से हिंड्रेंस है. अब वो ब्रिज क्या है, वही बनाना बॉन्ड कहलाया, किस तरह से बनता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, डाइबोरेन की स्टडी में स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी इसका स्ट्रक्चर कंफर्म किया गया. देखिएगा क्या होता है. इस तरह से ये ब्रिज हाइड्रोजन एटम है. अगर आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए कि दोनों बोरान में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 हाइड्रोजन है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 12. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 12, जबकि बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं 8. रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 16, रिक्वायर्ड है 16 और अवेलेबल है 12, यानी डेफिशिएंसी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 16 - 12 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन. अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो किस तरीके से बनाना बॉन्डिंग से पूरी होती है यहां आपको बताया जाएगा. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
हाइड्रोजन में एक ही एटम है, हाइड्रोजन में एटम एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन बॉन्ड एक कितने बना रहा है? दो। एक इलेक्ट्रॉन से दो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे? इसी का नाम दिया गया थ्री सेंटर्ड बॉन्डिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे दोनों जो बोरान है sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, दोनों बोरान एटम sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। अब देखिए, ये जो भी स्क्वायर के अंदर हम एटम बना रहे हैं, दीज आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में ये सिक्स एटम लाई कर रहे हैं, लेकिन जो सर्किल में हाइड्रोजन है, ब्रिज हाइड्रोजन जिसको हम बोल रहे हैं, लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये जो दोनों एटम है, ब्रिज हाइड्रोजन एटम, ये पूरे मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर, एक ऊपर और एक नीचे परपेंडिकुलर लाई करते हैं। बाकी जो सिक्स एटम है, चार हाइड्रोजन और दो बोरान, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो अब यहां देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दोबारा इस स्ट्रक्चर को बना के दिखा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बॉन्ड एंगल की तरफ ध्यान दें तो ये बॉन्ड एंगल 97 डिग्री का होता है और ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये जो बॉन्ड लेंथ है टर्मिनल 119 पिकोमीटर का होता है, लेकिन ये जो ब्रिज एटम्स के साथ जो बॉन्ड बना रहा है 134 पिकोमीटर का है। तो ये जो हायर बॉन्ड लेंथ है, हायर बॉन्ड लेंथ कन्फर्म्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड को कन्फर्म कर रहा है हायर बॉन्ड लेंथ। अब आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब यहां पे एक बार और मैं क्लेरिफाई कर दूं आपको, ये एक दो तीन चार, ये जो चार है बॉन्ड, ये लोकलाइज्ड बॉन्ड है। किस तरह के लोकलाइज्ड बॉन्ड? टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर्ड बॉन्ड्स, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर्ड बॉन्ड्स। ये जो टर्मिनल बॉन्ड है लोकलाइज्ड है, टू सेंटर्ड बॉन्ड है, एक बोरान एक हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बनाना की तरह बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बनाना बॉन्ड।
थ्री सेंटर्ड बॉन्ड है। जिसका नाम रखा गया बनाना बॉन्ड। इस तरह के दो बॉन्ड यहां पे बन रहे हैं, दो बनाना बॉन्ड है ये। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए, ये जो ये बॉन्ड आप दिख रहे हैं ब्रिज के, दीज आर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। दीज आर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। थ्री सेंटर्ड बॉन्ड्स, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन एक बोरान का, क्योंकि दो बोरान है, एक का इलेक्ट्रॉन एक थ्री सेंटर्ड बॉन्ड में जाएगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन दूसरे थ्री सेंटर्ड बॉन्ड में जाएगा। तो टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्डिंग, डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसका नाम रखा गया बनाना बॉन्ड। तो 1920 से 1940 के बीच में बड़ा ही पॉपुलर डिस्कवरी था डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए, जो मैं यहां आपको बता रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिससे यह कंफर्म किया गया कि ये दोनों हाइड्रोजन ब्रिज्ड हैं, मैं बताना चाहता हूं, देखिएगा। जब डाइबोरेन का एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किया गया, जब मिथाइलेशन किया गया इसका, तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो तो मिथाइलेट हो गए, लेकिन ब्रिज वाले हाइड्रोजन मिथाइलेट नहीं हो पाए, जो अगेन ये कंफर्म करता है कि इसके अंदर थ्री सेंटर्ड यानी बनाना बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो इस तरह से डाइबोरेन के स्ट्रक्चरल स्टडी एक लैंडमार्क स्टडी थी थ्री सेंटर्ड बॉन्डिंग स्टडी के लिए, जिसका नाम रखा गया बनाना बॉन्ड, वो हमने आपको बताया। ब्रिज वाले हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसका लेंथ बड़ा होता है, टर्मिनल बॉन्ड के साथ जो लेंथ है वो छोटा होता है, बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट है, बाहर वाला जो एंगल है वो 120 और अंदर जो ब्रिज के अंदर जो बन रहा है 97 डिग्री। ये सारी चीजें हमने आपको बताई। तो बनाना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको रिवाइज कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा कि डाइबोरेन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लेविस एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। तो यूनिवर्स के साथ मैं यहां पे रिकॉर्डिंग रोकता हूं, आप रिवाइज कीजिएगा और लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अभी तक अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।